जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत है और आपको बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को कर रहे हैं, आपका दिल से धन्यवाद। क्या आपके ऊपर भी बहुत सा कर्जा हो चुका है या आप कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं? उसके लिए आपने कई सारे प्रयत्न किए, कई सारे तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाई। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ। इसे सिर्फ आप कर ले, इससे कर्ज से छुटकारा मिलने में कई सारी सकारात्मक फायदे आपको मिल सकते हैं। कई सारे जातकों ने इस उपाय को किया है, उन्हें फ़ायदा मिला है और 90% जातकों को इससे फ़ायदा मिला है। आपको भी ज़रूर इसका फ़ायदा मिलेगा। उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो आपको अच्छा लगे वो नाम लिखें। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहला उपाय, आपको ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ये मंत्र याद रखना, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार करें, 1008 बार करें, जैसा भी आप करें। करोड़ों का कर्ज होगा आपका, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र को जप करें। या तो आप मोबाइल में डाउनलोड करके भी इसे सुन सकते हैं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। दूसरा है, ये कैसे करना है, इसे कंटिन्यू करें 7 दिन 8 दिन तक। आप उठते बैठते सोते इस मंत्र का जाप करें, इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरा है, हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर ले। 100 बार पाठ कर कोई छोटी बंदी महासुख होई। तो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ अगर आप कर लेंगे, जरूरी नहीं आप 2 दिन में कर ले, 8 दिन में कर ले, पर जल्द से जल्द उसका 100 बार पाठ कर ले। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।